लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन, आई नजर डालते हैं हमारी एक खास पेशकश पर। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं कुशल भारतीय राजनीतिक कमलनाथ आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। इससे पहले वे केंद्र सरकार में मनमोहन सरकार के दौरान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं। कमलनाथ लोकसभा के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले और वरिष्ठ सदस्यों में से एक हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के नेता हैं। कमलनाथ साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। वह छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रह चुके हैं। आज छिंदवाड़ा सांसद कमलनाथ का जन्मदिन है। आज 18 नवंबर 2019 को ओजस्वी मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की जनता जन्मदिन उनका सादगी के साथ पर्व के रूप में मना रही है। तो आइए इसी पर दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कमलनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। कमलनाथ ने स्कूली शिक्षा देहरादून स्कूल से की। इसके बाद सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। कमलनाथ एक बिजनेस क्लास फैमिली से संबंध रखते हैं। राजनीति में आने से पहले पिता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी IMT एक प्रबंधक संस्थान के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा वे मध्य प्रदेश चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसिलिंग के चेयरमैन भी रहे हैं। 16वीं लोकसभा में वे प्रो टीम स्पीकर भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से 9 बार सांसद चुने जा चुके हैं। राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता और कृषक कमलनाथ वर्ष 1980 में पहली बार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद 1984, 1990, 1991, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में वे लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। कमलनाथ 1991 से 1994 तक केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, 1995 से 1996 तक केंद्रीय कपड़ा मंत्री, 2004 से 2008 तक केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, 2009 से 2011 तक केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री, 2012 से 2014 तक शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री रहे। साल 1918 में कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने नवंबर दिसंबर 2018 के चुनाव में पार्टी को लीड किया। कमलनाथ वर्ष 2018 में 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनते ही कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस में जान फूंक दी और 18वीं विधानसभा के चुनाव में भाजपा की शिवराज सरकार को आसमां के सितारे गिनवाने के लिए मजबूर कर दिया। 2030 विधानसभा सीटों में से 118 विधायकों के साथ कमलनाथ को आलाकमान के निर्णय के बाद 14 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल का नेता निर्वाचित किया गया। कमलनाथ ने 17 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए प्रदेश को नई ऊर्जा दी है। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में शानदार जीत दर्ज की और भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया। कमलनाथ का मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से राजनीतिक और व्यावसायिक रिश्ता है। 3 दशक से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में कमलनाथ कई बार विवादों में भी रहे। कमलनाथ को खेलों में भी काफी रुचि रही है। कोलकाता क्रिकेट और फुटबॉल क्लब, टॉलीगंज क्लब कोलकाता, दिल्ली फ्लाइंग क्लब के सदस्य और एक्स चीफ पैटर्न, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य भी रह चुके हैं कमलनाथ। कमलनाथ कई संस्थाओं के चेयरमैन भी हैं। कमलनाथ शाशी बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय समिति गाजियाबाद के अध्यक्ष और सेंटर फॉर एडवांस एजुकेशन नागपुर के चेयरमैन हैं। कमलनाथ को पूरे एशिया और विश्व में FDI पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2007 से सम्मानित किया है। वे राष्ट्रीय कोयला खान मजदूर फेडरेशन और भारत युवक समाज से भी पुरस्कृत हुए हैं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत होने के पहले वे लोकसभा के लिए 9 बार निर्वाचित हुए और 16वीं लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। कमलनाथ एक बेहतरीन लेखक भी रह चुके हैं। इनकी लिखी हुई कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे इंडियाज एनवायरमेंटल कंसर्न, इंडिया सेंचुरी और भारत की शताब्दी प्रमुख है। आमोद प्रमोद और मनोरंजन के रूप में उन्हें संगीत सुनना बेहद पसंद है। कमलनाथ ने अनेक देशों की यात्राएं भी की हैं। वे विश्व के विभिन्न भागों में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की तथा इससे संबंधित मंत्री लघु मंत्री स्तरीय की अन्य बैठकों में भी सम्मिलित हुए हैं।
पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री नाथ ने पारिस्थितिक संरक्षण और प्रदूषण उपशमन संबंधी राष्ट्रीय नीति का प्रतिज्ञापन और विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। वस्त्र राज्य मंत्री के रूप में देश में सूती कपड़े के उत्पादन और निर्यात में नए कीर्तिमान स्थापित किए और नए वस्त्र नीति का सफल सूत्रपात किया। इस अवधि के दौरान भारत के विदेश व्यापार में 3 गुना वृद्धि हुई और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 7 गुना वृद्धि हुई। नाथ ने बौद्धिक संपदा और औद्योगिक डिजाइन के क्षेत्रों में विशिष्ट प्रयास किए। उन्हीं के प्रयासों से विशिष्ट आर्थिक जोन SEZ अधिनियम बनाया गया। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। लगातार नए अपडेट्स के लिए बने रहिए News 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।